नमस्कार किसान भाइयों। भाइयों आज मैं पोल्ट्री फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ। भाइयों पूरी जानकारी लेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे में और किसान भाई से भी मिलाऊंगा जिनका ये पोल्ट्री फार्म है। भाइयों पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही शानदार बिजनेस मॉड्यूल है किसानों के लिए, जिससे लाखों की कमाई कर सकता है कोई भी किसान, क्योंकि आजकल ये कंपनी के बेसिस पे चल रहे हैं। भाइयों जिन किसान भाई ने ये शेड लगा रखे हैं, वो अभी 2 शेड चला रहे हैं 10-10 हज़ार बच्चों का। भाइयों वो इन शेडों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन भाई से मिलाऊंगा। कभी इन्होंने अब से 4 या 5 वर्ष पहले मात्र छोटा सा एक पोल्ट्री फार्म खोला था, उससे ही बड़ा बढ़ा के इन्होंने ये 2 शेड कर लिए। भाइयों किसान भाई से मिलाऊंगा और पूरी पूरी जानकारी लेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहना। तो भाइयों मिलते हैं किसान साथी से। भाइयों हमारे साथ हैं युवा किसान साथी, इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा आपका इनसे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं जो भी दर्शकगण आपको देख रहे हैं। मेरा नाम के राजपूत है, गांव वेर का रहने वाला हूं मैं जी। और 2016 से मैं पोल्ट्री हाउस अपना चला रहा हूं जी। पहले मेरा 6,000 का फार्म था जी 2016 में जी। परंतु जैसे जैसे मेरा फार्म मैं मुझे प्रॉफिट लगा, ऐसे ऐसे मैंने फार्म को आगे बढ़ाया। एक सेट को 9,000 का किया, फिर इसके बगल में 2017 में मैंने एक सेट दूसरा है वो 10,000 का किया जी। अभी फिलहाल 2 सेट चला रहे हो? हाँ, फिलहाल 2 सेट चल रहे हैं जी। 19,000 का मेरा पोल्ट्री हाउस है जी, वेर के अंदर जी जी जी। और एशिया की सबसे बड़ी संस्था जो IBRI है, उससे मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है पशु पक्षी पालन की, बरेली से। बहुत बढ़िया। काफी हद तक मैं कहूँगा किसान भाइयों को जो पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, हाँ हाँ, कि कोई बुरा बिजनेस नहीं है। मैंने भी काफ़ी काम मार्केट में रहा, 15 साल से मार्केट में रहा, मैंने भी काफ़ी बिजनेस किए जी। परंतु इसमें जितना मुझे लाभ और प्रॉफिट है जी, जितना ज़्यादा बिगर टेंशन का बिजनेस है जी, मुझे कोई बिजनेस इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं लगा अपने लिए जी। और अगर जो कोई भाई खोलने का इच्छुक है और खोलना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दोगे जी, जी, जी। यहाँ कोई आके रहना भी चाहता है तो रहने का भी कोई उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है जी। अच्छा जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, अभी तो आपका काफी बड़ा फार्म है ये, यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है, और एक और सेट बता रहे हो। हाँ, एक सेट तो ये कितने बच्चों का है? ये 9,000 बच्चों का। और दूसरा वाला वो सामने दिख रहा है, वो 10,000 का, दोनों वो 10,000 का। भाई दिख रहा होगा आपको यहाँ से, वो एक 10,000 का, एक 9, मतलब लगभग 19,000 बच्चों का आपका फार्म हाउस है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो तब कितने बच्चे लेके आए थे? पहली बार मेरे फार्म में 6,000 का कैपेसिटी था और मुझे कंपनी ने दिए थे 5,700 चिक्स दिया था। अच्छा, अभी कंपनी के बिहाफ पे चला रहे हो आप? अभी मैंने शुरू से ही कंपनी के बिहाफ तो पे थोड़ा कंपनी के विषय में समझा दीजिए कोई नया किसान भाई अगर लेना चाहे। मार्केट में सुगना है, हाँ हाँ, और फीड ब्रो है, हाँ हाँ, और आपका परफेक्ट है जी। परंतु मुझे अभी तक सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है जी, वो वेंकीस कंपनी है, हाँ हाँ, इंटरनेशनल कंपनी है, जिससे सबसे ज्यादा मुझे काम करने में परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। और ये मेडिसिन भी बहुत ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, खाली एक पानी सफा करने वाली जो दवाई होती है, हाँ हाँ, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और जो कंपनी सुगना वगैरह है, वो मेडिसिन के वेब पर बच्चों को पालती है। ये कंपनी बहुत कम मेडिसिन देती है जी जी, जी। मेडिसिन एंटीबायोटिक जब भी चलती है, जब कोई किसी प्रकार की वर्ड्स में दिक्कत आती है बिल्कुल। तो कंपनी बहुत सारी है, पर इंटरनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वेंकीज बढ़िया कंपनी है, इसी से मेरा काफी लंबे समय से डाइवर्स चल रहा है। थोड़ा सा आप हमें इस विषय में बताइए कि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ किसान भाई थोड़ा डरते या घबराते हैं कि इनमें बीमारियां ज्यादा आती हैं बर्ड फ्लू वगैरह की, तो इससे? नहीं, ऐसा कुछ, हाँ हाँ, इस विषय में थोड़ी जानकारी दें। ऐसा जो बर्ड्स होता है वो कई प्रकार का होता है जी जी जी। CoV-400 वाइब होता है, हाँ, और हाफ बर्ड होता है, हाँ, हाफ बर्ड जो बर्ड होता है वो थोड़ा सा उसको मैनेजमेंट की ज्यादा आवश्यकता होती है जी। कुछ लोग नहीं कर पाते उसका मैनेजमेंट, हाँ हाँ, इसलिए हवा का बड़ा चक्कर रहता है इसमें, कि जैसे कि एक अंदर हीट बनी हुई है, अचानक से पर्दे डाउन कर दिए, हाँ, तो ठंडी हाँ, हवा आ गई, हाँ, तो उसको जैसे छोटे बच्चे को इमोनिया हो जाता है, ऐसे ही इसको भी इमोनिया हो जाता है, तो उसको कहते हैं लोग कि जी बर्ड में बीमारी आ गई। जब किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट आप सही नहीं रखोगे तो उसमें बीमारी तो आएगी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का प्रोसीजर है ये फील्ड नहीं। वैसे आपके जो ये दिख रहे हैं हमें बर्ड्स, काफ़ी शानदार स्वस्थ हैं, तो आप जो इन्हें फीड खिला रहे हो वो कंपनी का ही खिला रहे हो? हाँ। जैसे यहाँ पे फीड दिख रहा है हमें, और आपका ये यहाँ पे रखे हुए हैं बोरे,
ये कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? ये कंपनी का 50 kg का फीड है। हाँ हाँ, तीन प्रकार का फीड होता है जी। एक स्टार्टर होता है, एक प्री स्टार्टर होता है, एक फिनिशर होता है जी, जी, जी। और भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग बनाती हैं जी। ये फिनिशर है, सबसे लास्ट वाला फिनिशर है, ये कंपनी ही प्रोवाइड कराती है जी। आपको चिक्स जो है चूंजा कंपनी देगी। हाँ हाँ, मेडिसिन कंपनी देगी। हाँ, आपको फीड भी कंपनी देगी। हाँ, आपको काउंटिंग करके चिक्स देगी, काउंटिंग करके ही जब बड़ा हो जाएगा तो लो जाएगी। परंतु उसके बाद में जो आपका पालने का खर्चा है वो आपको पर बर्ड के हिसाब से। हाँ, अगर जो जैसे कि आपने सही देख रेख करी है तो हाँ, उसके हिसाब से 22 पर रुपीस जी, जी, और 20 रुपीज के हिसाब से पर बर्ड के हिसाब से आराम से पड़ जाता है। अच्छा, इसमें डेथ रेशो क्या है? जैसे 1000 बच्चे लगाए तो ऐसा होता है कि मोस्टली, अभी तो मैं वैंकी से काफी लंबे समय से काम हाँ, कर रहा हूँ, तो जो कंपनी देती है 5% तक मॉर्टेलिटी फ्री देती है। परंतु उससे ऊपर भी अगर जो होती है तो उसमें पैसा वही कटता है जिसका जितना चिक्स का रेट होता है, जितना जी, वो जी, दाना खा चुका होता है। ऐसा हाँ, नहीं है कि मार्केट में 190 रुपये केजी बिक रहा है तो आपका 190 रुपये पर बर्ड्स कटेगा। हाँ, या पर केजी कटेगा। तो मोस्टली इनका जो बच्चा है वैंकीज का वो 400Y बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है कॉब में होता है। तो इनकी बीमारी इसमें बहुत कम लगती है और बच्चा अच्छे से पलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता है एक जो अभी गर्मी का और सर्दी का थोड़ा अच्छा, सीजनल कुछ अंतर होता है पर फिर भी ये 40 डेज में हाँ हाँ, यानी कि 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है जी, कंप्लीट 40 दिन में ये लोडिंग हो जाती है। अगर कोई नया किसान भाई ये कार्य करना चाहे तो स्ट्रक्चर में लगभग छोटे स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आ जाएगा? 5000 के बर्ड्स का अगर जो आप फार्म करना चाहते हो, 5000 से स्टार्टिंग करना चाहते हाँ, हो तो उसमें आप ये मान के चलिए 5000 में आपका इन्वर्टर भी होगा, लाइट हाँ, का कनेक्शन भी होगा, आपका समर भी लगेगा, टंकी की फिटिंग भी होगी हाँ, और फार्म का भी कमरा भी, एक या दो कमरे भी रखेंगे आप हाँ, लेबर को रहने के लिए हाँ, हाँ, तो सारा 5000 का फार्म अगर जो आप बनाते हो हाँ, तो लगभग 5000 के फार्म में आपका 5 लाख रुपया आप मान के चलिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वगैरह सारा इंक्लूड होता है उसमें जी, जी, जी। तो आप 5000 के फार्म में 5 लाख रुपए मान के चलिए जी, जी, जी। और 5000 में अगर जो आप अच्छे से एक लेबर 10000-12000 का लेबर करके, लेबर कितनी लगती है लगभग? ऐसा है, एक व्यक्ति 5000 से 6000 बर्ड्स को आराम से पाल लेता हाँ, जी। ये 5000 का फार्म अगर जो आप अपने जमीन पर या लीज पर लेके लगाते हो हाँ, तो उसके लिए सरकार लोन भी प्रोवाइड कराती है जी। आप अपना काम करना चाहते हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह बना के CA से सलाह लेकर आपको लोन की प्रोवाइड भी सरकार दे रही है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर में ये फार्म आता है, इस पर कोई आपका 2 लाख का चेक बने, 10 लाख का चेक बने, आप पे कोई किसी प्रकार का सरकार की तरफ से विदाउट एनी टैक्स है। तो इसमें आप अगर जो एक लेबर रखते हो और 5000 का फार्म आप बनाते हो हाँ, 5 लाख रुपए के लमसम में, तो उसमें आपको अगर जो 5000 बर्ड्स मिलते हैं हाँ, 5% उसमें से माइनस करके अगर जो आप ये मानो कि 4750 बर्ड आपके पास में ऑलरेडी कंप्लीट रह गया हाँ, और 2 kg के हिसाब से भी कैलकुलेशन उसका करते हो हाँ, हाँ, तो 95 क्विंटल माल बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और 95 क्विंटल माल से ये होता है कि अगर जो आपको एक बर्ड पे 20 रुपए भी आपको मिलते हैं तो 10 रुपए ये मानो कि 10 रुपए केजी हो गया। अब क्विंटल में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भले भले 40 से 45 हजार बिगर टेंशन के घर के घर बच जाएगा। और 40000 रुपए मैं मानता हूँ कि एक किसान के लिए छोटे 5 लाख रुपए लगा के बिगर टेंशन के, माल चोरी नहीं हो सकता हाँ, माल गल नहीं सकता, बिल्कुल, बिल्कुल, माल का कोई टेंशन नहीं है। मॉडल्टी होती है तो उसके लिए कंपनी है, कोई बीमारी होती है तो कंपनी मेडिसिन देती है, आपको अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना होता। स्टार्टिंग में जो पेट सपा वगैरह के लिए मेडिसिन है वो भी देसी है, जैसे गुड़ है, सोडा है, सिरका हाँ, है, वो 1500 रुपए का जो अपना खर्चा होता है हाँ, बस वही वहन करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है मेरा उसके विषय में और बताइए, मानो आपका लॉट तैयार हो गया जी, तो कंपनी कभी ऐसे तो नहीं करती कि देरी कर दे, लॉट नहीं उठा रही? नहीं नहीं, ऐसा होता है FCR का कुछ चक्कर होता है हाँ, हाँ। 1900 ग्राम का बच्चा आता है तब कुछ अच्छी FCR कम होती है हाँ। ज़्यादा जाता है तो FCR कुछ ज़्यादा होती है। कंपनी का रूल ये रहता है कि 2 kg का जैसे ही चिक्स होता है तो उठा लेते हैं। सपोज करो हमारा 2 kg का हो गया लेकिन कंपनी आई नहीं लेने बच्चा, तो वो तो दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी क्यों छोड़ेगी? ये बैग है, ये एक फीड का बैग है हाँ। अब ये एक मार्केट से अगर जो आप प्रोवाइड कराओगे तो 1900-1800 रुपए का पड़ेगा एक बैग, यानी कि 4000 रुपए और 3800 रुपए 3900 रुपए पर 100 kg का इसका रेट है जी, जी, जी। अब आप देखिए ये 9000 का फार्म मेरा, 9000 हाँ, 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 दिख रहा है, काफी बड़ा फार्म है। डेली आज की डेट में इसमें
13 कुंटल चिक्स 24 घंटे में दाना खा रहा है जी। 13 कुंटल को अगर आप 4000 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे जी तो ये 52000 रुपये का एक दिन का कंपनी का खर्चा है। अगर जो कंपनी 2-3 दिन रोकेगी हाँ। तो उसमें कंपनी को डेली 50,000, 55,000, 60,000 का डेली लॉस होगा। लॉस होगा, हमें तो पाले का पैसा देना है, हमें तो केजी का पैसा उसको देना है। जितना ज्यादा भारी उठेगा सही बात, हमें लाभ होगा। अच्छा, कंपनी बढ़िया साथ दे रही है। हाँ, कंपनी देखो ये होता क्या है, कंपनी का और फार्मर्स का हाँ। ये दोनों का ही एक टाइप है, टाइप है, और इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी ये बिजनेस हो पाता है। मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिला रहा हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें एक, जिससे कोई किसान भाई अगर इच्छुक हो तो संपर्क कर सकता है। हाँ, संपर्क कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 95 3 2020204040। हाँ भाइयों, के भाटी नाम है, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं यहाँ पे वैर बादशाहपुर में। ये वैर स्टेशन पड़ता है हावड़ा जो रेल की लाइन है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही है, तहसील सिकंदराबाद में। जिनके ये दो पोल्ट्री फार्म हैं, एक यहीं पे पड़ोस में दो लगा रखी है यूनिट इन्होंने, और काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख रहे हैं और बता रहे हैं काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है इनसे। और बर्ड्स भी देख सकते हो भाइयों, काफ़ी सुंदर हैं इनके, काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं और बता रहे हैं तब से चला रहे हैं, कोई घाटा तो आया ही नहीं है जी। नहीं नहीं, कोई घाटा नहीं। अगर किसान भाई अच्छे से मेंटेन करके चलेगा तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और बाकी पैसा मैंने लगाया था हाँ हाँ, उससे ज़्यादा इसी के पैसे से मैं इसमें दूसरा फार्म इसी के पैसे से बनाया जी, और जितना पैसा मैंने लगाया वो भी रिकवर कर लिया हाँ हाँ। उससे ज़्यादा भी मेरे बहुत सारे जो काम रुके हुए थे पैसे की वजह से, वो सारे रनिंग में भी आ जैसे गए। आपने ये फार्म हाउस तब से स्टार्ट किया, कोई बर्ड फ्लू का चक्कर आया नहीं मेरे फार्म में आज तक? नहीं, आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं आया जी जी जी। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि फीड वगैरह डॉक्टर वगैरह का आने का प्रॉब्लम हो गया था जी। तो 3-4 महीने तक फार्म बंद रहे थे सभी के, मेरे नहीं सभी के बंद रहे थे, पूरा ऑल ओवर इंडिया में था वो तो महामारी। अच्छा, कुछ जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं वो कंपनी करती है या फिर अपने आप करने पड़ते हैं? एक्सपेंसेस ये है कि जैसे धान का छिलका होता है वो नीचे बिछाना पड़ता है, तो ये तो अपना ही गद्दे में बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और भट्टियां चलती हैं सर्दियों में जिसमें बरूदा आता है, वो भी अपना होता है जी जी जी। और बाकी स्ट्रक्चर वगैरह रख रखाव सब अपना ही है, बाकी खाना दाना कंपनी का। बहुत बढ़िया। तो भाइयों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे किसान भाई, इन्होंने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी अपने पोल्ट्री फार्म के बारे में। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।